नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी में ददबा धाम कॉलोनी वासियों ने उठाए मूलभूत सुविधाओं की मांग। कॉलोनाइजर आलोक गोयनका के घर के पास लगाए चोर चोर के नारे। कटनी में जिजवी स्थित ददबा धाम कॉलोनी के रहवासी काफी समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कॉलोनाइजर के खिलाफ मिली शिकायतों की जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। एसडीएम ने जांच में कई अनियमितताएं पाए और रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप थी। इसके बाद भी कॉलोनाइजर पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी बात से नाराज कॉलोनी वासियों ने बुधवार को मिशन चौक से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कोतवाली तिराहा सुभाष चौक से मेन रोड होती हुई रैली आलोक गोयनका के घर के पास पहुंची। कॉलोनी वासियों ने आलोक गोयनका चोर है के जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि बार बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी प्रशासन कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। कॉलोनी वासियों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पहले तो हमारा अनुरोध है, हमारे मुख्यमंत्री मामा जी भैया उनकी तरफ से सारी बहनें एकत्रित हुई हैं और अपना ये दुख उनके पास लेके आई हैं कि हमारे जो बिल्डर्स हैं, जो हमारी ददबाधाम कॉलोनी है, उसमें हम सब रोड, पानी, बिजली, सड़क, शीवर लाइन, स्कूल कुछ भी नहीं है। सबकी सुविधाओं का वादा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। ना प्रशासन सुन रहा है, ना तो बिल्डर द्वारा बिल्डर सुन रहा है, तो हम किसके पास जाएं? हमारा अनुरोध है कि आप इसमें से एक्शन लें। अभी तो हम शांति से हैं, अगर आप नहीं सुना जाएगा तो इसके आगे फिर हम अनशन करेंगे और सब हमारे साथ हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रशासन आप हमारी सुने, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं सुना जाएगा तो हम इससे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताल पे ही जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री जी से अपने बहनों का अनुरोध है। किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को प्राप्त हो पा रही, जिस विरोध में हमारा बिल्डर से बात की गई तो बिल्डर द्वारा ये बताया कि मेरे द्वारा बंधक रखे हुए प्लाटों को मुक्त करा लिया और मैंने कंप्लीट कॉलो कंप्लीट कर लिया। जब तथ्यों में हमारे द्वारा कलेक्टर को जांच करने के लिए किया गया और आज में कलेक्टर महोदय संयुक्त जांच दल स्थापित किया, जिसके अंदर टेन कंट्री प्लान एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार पारी एवं सरपंच की उपस्थिति के अंदर, सरपंच और सचिव की उपस्थिति में सरपंच द्वारा अवगत कराया गया कि ये कॉलोनी जो है पंचायत को हस्तांतरित नहीं हुई है और न ही बंधक मुक्त की गई है। हमारी शिकायतों को कलेक्टर महोदय ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है आज दिनांक तक, और हमारे को आज दिनांक तक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके विरोध में ददबा धाम समस्त जो कि शिखर है वहां पर ज्यादा बुजुर्ग रिटायर्ड व्यक्ति कर्मी अर्धशासकीय कर्मचारी वहां निवासरत है। प्रतिदिन गड्ढों में कूदते हुए ग्रामीण दूर से भी बदतर स्थिति में ददबा धाम की स्थिति है, और हम किसी भी शासकीय योजना का लेने के लिए जब जिला प्रशासन से संपर्क करते हैं, प्रशासन द्वारा अवगत जाता है कि ये कॉलोनी प्राइवेट बिल्डर कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पे शासकीय योजना लाभ प्रदान नहीं की सकता। इस स्थिति में हम लोगों को किसी प्रकार की शासकीय योजनाएं, नल जल योजना, बिजली न, सड़क, पानी, खेदार, स्कूल, शिक्षा, राशन, वोट के लिए हमारे को वहाँ से 10 किलोमीटर दूर देवरी टोला जाना पड़ता है। इसलिए ददबा धाम वासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि यदि हमारी मांगों को 7 दिन में बिल्डर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आनमरण अनशन और चक्काजाम और निर्वाचन का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जबकि जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई, जांच दल द्वारा ये पाया गया कि बिल्डर द्वारा नक्शे के विरुद्ध, स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध दूसरा नक्शा तैयार कर या वहाँ के रहवासियों के जो है फोर्जरी की गई है, 420 की गई, पंचायत में जो बंधक जाने थे उनको कूट रचित दस्तावेज साथ उन्होंने नाश मुक्त करा है। इस तरीके की सारी वस्तु जांच द्वारा 2020 में अपने करने के भी प्रश्न द्वारा आज तक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से आज भी शिक्षित वर्ग आज एसडीएम महोदय को राज्यपाल हमसे ज्ञापन देने के लिए यहां पे उपस्थित हुए हैं कि हम लोग अगर इस पर 7 दिन